हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, लास्ट वर्कशीट से हमारी ये पोएम कंटिन्यू है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रिकेट है वो जो है उसको गाना गाने की आदत है, वो गा रहा है बस, और उसने अपने जो विंटर सीजन है उसके लिए उसने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। ठीक है, वो अपने गाने की मस्ती में मस्त है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। सो इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट ए क्रिकेट हु स्पेंड द समर सिंगिंग। सारी गर्मियाँ वो गाता रहता है। ही डजेंट प्लान एनी थिंग इन विंटर सीजन। विंटर सीजन के लिए उसने कोई भी प्लान नहीं किया। सो वेन द विंटर अराइव ही कंप्लेन्स दैट ही हैज़ नथिंग टू ईट। और जब विंटर आई तो वो कंप्लेंट कर रहा है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। टुडे वी विल लर्न रीड अबाउट हाउ ही आस्क द एंट फॉर हेल्प। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे वो एंट के पास जो है किसके लिए जाता है, हेल्प के लिए जाता है। देखिए अब यहाँ पे वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। थिंक ऑफ समवन फैमिली मेम्बर फ्रेंड हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। तो आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो क्वालिटीज़ जो है आपके फैमिली मेम्बर की भी हो सकती है, आपके फ्रेंड की भी हो सकती है। राइट हिज हर नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विद हिम और हर इन द ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पर ये क्वालिटीज़ दी गई हैं, हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक है, पंचुअल, हेल्पफुल। तो जो भी क्वालिटीज़ आपको अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर में ये क्वालिटी लगती हैं तो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नाम दे दिए हैं। आप बेटा अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम यहाँ पर अपने फ्रेंड के नाम लिखिएगा। जैसे फर्स्ट दिया गया है हार्ड वर्किंग, तो राहुल जो है वो क्या है, हार्ड वर्किंग है। और राहुल किसका नाम है, फादर का नाम है। तो आपके फादर अगर हार्ड वर्किंग है तो उनका नाम लिख सकते हो। पेरेंट्स तो हार्ड वर्किंग ही होते हैं, हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एनर्जेटिक है प्रिया। ठीक है, प्रिया किसका नाम है, मदर का नाम है, तो एनर्जेटिक है। पंचुअल में लिख दिया है रीना। रीना कौन है, सिस्टर है, बहुत पंचुअल है, समय पर जो है अपने काम करती है। हेल्पफुल कौन है, अंश, जो कि कौन है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। क्लियर, जो आपकी हेल्प करता है। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको क्या करना है, जो स्टेंजा दिया गया है उसको आपको रीड करना है और फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको आंसर करना है। तो स्टेंजा 2 है, फर्स्ट स्टेंजा हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड। अब देखिए, अब जो क्रिकेट है वो बेचारा भूख से मर रहा है। ठीक है, अब वो जो जब भूख लगती है ना तो क्या हो जाता है, आदमी बोल्ड हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कहीं से भी मांगने को तैयार हो जाता है। तो ऐसा ही अब इस क्रिकेट के साथ हो गया है, ये कहीं से कुछ भी मांगने को तैयार है। किसके कारण, भूख के कारण। स्टारवेशन होता है भूख, तो भूख ने उसको बोल्ड बना दिया है। नाउ ऑल ड्रिपिंग विद वैट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड ऑलवेज ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट। तो अब वो पूरी तरह से गीला भी हो चुका है, ना तो उसके पास खाने को कुछ है, ना ही उसके पास सिर ढकने के लिए छत है। तो अब वो पूरा गीला हो चुका है, वो जो है कोल्ड से, ठंड से कांप रहा है। ट्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, कांपना। वेट का मतलब वो गीला हो चुका है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट। और अब वो जो है, जो एंट है उसके पास जाने को मजबूर है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे मांगना पड़ेगा। ही वुड ग्रांट, ठीक है, ग्रांट का मतलब क्या है, मांगना पड़ेगा। ग्रांट यानी मांगना। तो हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तो उसको जो है जिंदा रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए शेल्टर मांगना पड़ेगा, यानी छत मांगनी पड़ेगी, एक तरह से रहने का स्थान मांगना पड़ेगा। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रीन, और कुछ जो है खाने को मांगना पड़ेगा। माउथफुल ऑफ ग्रीन का मतलब क्या होता है, खाने के लिए कुछ मांगना। तो उसको जिंदा रहने के लिए छत भी चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाने को भी चाहिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो एंड ही विड रिपे इट टुमारो। और उसके साथ वो जो है ये भी कहता है कि ये जो है वो क्या सोच रहा है कि मैं केवल बोरो करूँगा, यानी उधार लूँगा, और कल जो है यानी आने वाले कल कभी भी जब भी उसके पास होगा वो उसको रिपे कर देगा, कि वो जो भी उससे कुछ लेगा वो उसको रिपे कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। तो ऐसा जो है यहाँ पे बताया गया है।
अब इसमें हमने स्टैंजा टू पढ़ लिया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबो स्टैंजा। तो अबो जो स्टैंजा है उसमें आपको टू कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं। तो एक तो कैरेक्टर क्या हो गया, एंट हो गया, और दूसरा क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी क्वेश्चन किया था, एंट और क्रिकेट, तो दो ये क्या हो गए, कैरेक्टर हो गए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। तो एंट से वो क्या जो है हेल्प चाहता है, मनी चाहिए उसको, फूड एंड शेल्टर, या वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़े। तो उसको क्या चाहिए बच्चों, उसको तो फूड एंड शेल्टर चाहिए। क्लियर, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो आपको जो है यहाँ से टू वर्ड्स जो है क्या करने हैं, स्टैंजा से जो है फाइंड आउट करने हैं, दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जो कि क्या दिखाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि क्या है, फूड की शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये बेटा देख लेते हैं स्टैंजा से दो वर्ड कौन से हैं। सो यहाँ से आप एक तो ये लिखेंगे माउथफुल ऑफ ग्रीन, एक तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर वन, ये लिख दीजिए। एंड सेकंड जो वर्ड है वो है बोरो। टू लिखने हैं ना आपको, एक तो माउथफुल ऑफ ग्रीन और बोरो। तो ये दो वर्ड हैं जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, स्टारवेशन से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर, शॉर्टेज ऑफ फूड से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन थ्री आप ऊपर से लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम रेन टुमोरो एंड बोल्ड। के लिए आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिनको बोलते हुए जो है एक लय में बोले जाएं, जैसे रेन ग्रीन टुमोरो बोरो बोल्ड कोल्ड, है ना, तो ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। तो रेन का क्या हो जाएगा, देखिए रेन का आप क्या लिख सकते हैं, रेन का हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। टुमोरो का हो जाएगा बोरो, टुमोरो बोरो, और यहाँ पे बोल्ड का हो जाएगा कोल्ड। तो आइए बेटा लिख लेते हैं, तो रेन का हो जाएगा ग्रीन, जी आर ए आई एन ग्रीन, ठीक है। रेन का क्या लिख देंगे, जी आर ए आई एन ग्रीन। टुमोरो का बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू बोरो, और बोल्ड का हो जाएगा आपका कोल्ड। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। ठीक, तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।